मंदसौर जिला न्यायालय परिसर में कुटुंब न्यायालय में एसी में ब्लास्ट होने से लगी आग। पहुंची मौके पर दो फायर फाइटर पाए आग पर काबू। मंदसौर के कुटुंब न्यायालय में सोमवार दोपहर के वक्त अचानक से चलते एसी में ब्लास्ट और आग से हड़कंप मच गया। कोर्ट में आग की सूचना पर तुरंत दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार ने बताया कि सोमवार दोपहर के वक्त कोर्ट परिसर में स्थित कुटुंब न्यायालय में लगे एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हो गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक एसी से आग की लपटें उठने लगी और कोर्ट रूम में धुआं धुआं हो गया। कोर्ट में मौजूद जज और कर्मचारी भागकर बाहर आए। एसी में ब्लास्ट की आवाज और कोर्ट रूम से धुआं निकलता देख आसपास भीड़ लग गई। कोर्ट रूम में आग की सूचना पर फायर फाइटर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रघुवीर सिंह पवार ने बताया कि हादसे के वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वहीं कोर्ट रूम में काफी फाइलें भी रखी थी जो सब सुरक्षित है। एसी में ब्लास्ट और आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दो फायर फाइटर ने आग पर काबू पाया। इस आग को देखने के लिए बड़ी संख्या में पब्लिक एकत्रित हो गई। आज कुटुंब न्यायालय में अचानक जो एयर कंडीशन है उसमें आग लगी और आग लग लगता पूरे कमरे में आग फैल गई। आग लगने से सारे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। जितने भी कर्मचारी थे, न्यायाधीश थे, सब उठ के ना भागे हैं। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई है, फायर ब्रिगेड आई है और अब आग बुझा रही है। इस तरह अपना तभी मची है, बहुत भयंकर अपना थोड़ी पूरे कोर्ट में भगदड़ मची हुई है। सब इधर से उधर से भागने लगे। न्यायाधीश महोदय भी निकल के अपने कमरे से बाहर निकले एकदम। यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई है अभी, एक आई, उसके बाद एक और दूसरी आ चुकी है। यहाँ पर दो फायर ब्रिगेड आ चुकी है। अच्छा, कैसे लगी आग, कुछ मालूम चल पाया? नहीं, एयर कंडीशन में विस्फोट हुआ, शायद एयर कंडीशन में कुछ फॉल्ट हुआ तो एयर कंडीशन से आग लगी। उसके बाद आग लगने के बाद उसका जो अंदर की जो गैस थी वो सारी गैस बाहर आई। ये फैमिली कोर्ट में एसी की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और उससे कार्बन फैल गया और सारे कोर्ट में अंधेरा और धूप हो गया था, काला काला फैल गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलवाई है और उससे आग पर काबू पा लिया गया है। फाइलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ एसी और उसके जो थोड़ा इंस्ट्रूमेंट थे उसका हुआ। लगभग क्या नुकसान हुआ? लगभग तो एसी जला, बस खत्म। जनहानि वगैरह? जनहानि नहीं हुई।